हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूँ आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स लगाए थे, उसका पार्ट वन हुआ था। लेकिन आज मैं आपके लिए उसका पार्ट टू लेकर आया हूँ तुरंत ही। ठीक है, तो हम जो बचे हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिन जिन चैप्टर्स से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स लगाना। जॉन डोनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ क्वालिटी ऑफ द पोएम्स ऑफ डोनी, यानी कि जॉन डोनी की जो पोएम्स थी उनकी चीफ क्वालिटी क्या थी? मतलब क्या थी? प्यार था। टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री डिड जॉनी बिलोंग, स्कूल यानी कि पोइट्री के किस स्कूल से डॉनी बिलोंग करते थे? स्कूल का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने जाते थे, यानी कि वो किस टाइप के कवि थे, कैसा लिखना पसंद करते थे? हैं, वो लिखना पसंद करते थे मेटाफिजिकल। कैसा? मेटाफिजिकल। व्हाट इज द नेम गिवन टू डॉनी सिमलीज, यानी कि डॉनी की जो सिमलीज थी उसको क्या नाम दिया गया? तो उनको नाम दिया गया कंसीट। क्या दिया गया? कंसीट। व्हाट इज द चीफ क्वालिटी ऑफ द अब्सेंस ऑफ लवर्स, यानी कि अब्सेंस ऑफ लवर्स यानी कि जो प्रेमियों है, प्रेम है, प्रेमी है, उनकी अब्सेंस की चीफ क्वालिटी क्या थी? बताओ भैया, ये तो हमने पढ़ चुका है। स्ट्रॉन्गर लव पढ़ चुके हैं हम पहले ही, कि जितना ही हम दूर जाएंगे किसी से, कोई भी प्रेमी जितना भी अपने प्रेम से दूर जाएगा, उसका लव जो है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। विच सिमली हैज बीन यूज्ड फॉर सेक्रेसी ऑफ लव, यानी कि किस सेक्रेसी ऑफ लव को किस सिमली के द्वारा बताया गया है? रिच मैन। कौन सा? रिच मैन, यानी कि जिस तरह धनी व्यक्ति जो है वो अपने धन को बचा कर रखता है, सिर्फ देखने के लिए सबसे छुपा कर रखता है और ना ही खर्च करता है, उसी तरह प्रेम को भी कैसा होना चाहिए? छुपा कर रखना चाहिए, सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट सिक्स है, वेयर शुड लव बी केप्ट कंसील्ड, यानी कि लव जो है वो कहाँ पर कंसील्ड बंद रह सकता है, जहां पर उसको कोई भी नहीं देख सकता? तो इन माइंड, अरे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई देख पाएगा क्या? कोई नहीं देख सकता। हम किसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कोई नहीं देख सकता। व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ लव, यानी कि बेसिक क्वालिटी क्या है ट्रू लव की? अल्ट्रेशन, विरोध, रुकावट, चेंज विद मनी यानी कि पैसे के साथ ही बदल जाता है, बियॉन्ड प्लेस एंड टाइम शॉर्ट लिविंग कम समय के लिए रहता है, क्या है? बियॉन्ड प्लेस एंड टाइम, जो लव है वो किसी भी स्थान या किसी भी समय से परे है, उस पर किसी भी स्थान या किसी भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज प्रेजेंट इन एब्सेंस, यानी कि प्रेजेंट इन एब्सेंस जो पोएम है वो किस तरीके की है? वो है आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन द पोयम, पोयम में कितने स्टेंजास है भैया? जॉन डोनी की जो पोयम है उसमें कितने स्टेंजास हैं? आते हैं अलेक्जेंडर पोप। हु कॉल्ड दी 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, कौन कहलाता है 18th सेंचुरी के एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? तो ये कहलाते हैं कौन? आर्नोल्ड। कौन कहलाते हैं? आर्नोल्ड। द पोएट्री ऑफ पोप इज कन्फाइंड विद इन द सोसाइटी ऑफ, लंदन।
यानी कि जो पोएट की जो पोएट है पोप है उनकी कंफाइंड करती है सोसाइटी किसकी, लंदन की सोसाइटी के बारे में। वेन वाज पोप बॉर्न, पॉप का जन्म कब हुआ था, 1688। हु डिक्लेयर पोप एज क्लासिक ऑफ आवर प्रोज, यानी कि हमारे प्रोज का जो क्लासिक है वो पोप को किसने निर्धारित किया था, किसने कहा, तो ये कहा था आर्नोल्ड ने, ठीक है। विच एज डज अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू, अब अलेक्जेंडर पोप किसके इरा के थे, किसके समय के थे, नियो क्लासिकल एज, किसके इरा के थे, नियो क्लासिकल एज। अब आते हैं थॉमस ग्रे, ठीक है। हाउ इज द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी नोन, यानी कि आधी जो 18th सेंचुरी है वो किसके किस तरह की जानी जाती है, ये कहलाती है ट्रांजिशनल। व्हेन डिड ग्रे राइट द एलजी, एलजी ने वो ग्रे ने एलजी रिटना लिखना जो है वो कब शुरू किया था, 1751, 1751। हु वाज हैम्पडन, हैम्पडन कौन था, अ पैट्रियट, एक देशभक्त था। विच फ्रेंड ऑफ ग्रे इज जनरली एसोसिएटेड विद एलजी, यानी कि ग्रे का सामान्यता ऐसा कौन सा फ्रेंड था जो एलजी से एसोसिएटेड था, उसके ऊपर इसने एलजी लिखी थी, तो ये था रिचर्ड बेस्ट, कौन था, रिचर्ड बेस्ट। व्हाट इज एन एलजी, एलजी क्या है, एलजी क्या है, एलजी है सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, सॉन्ग ऑफ प्रेज, शोक का क्रिटिकल सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ जॉय, क्या है, दिस सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, ये किसी के शोक, कोई शोक कोई दुख व्यक्त करता है, ये उसके ऊपर है, क्रिटिकल सॉन्ग नहीं है, तारीफ का सॉन्ग नहीं है, एंजॉय का सॉन्ग नहीं है, ठीक है। हूज फेट डज लेमेंट ग्रे लेमेंट इन द एलिजी, यानी कि किसका भरोसा एलिजी पर है, ग्रेट ग्रे लेमेंट की, ठीक है। तो 6 है आपका ब्लेजर, ठीक है। ग्रेस एलिजी इन अ पोयम ऑफ, यानी कि ग्रेस की जो एलिजी है वो पोयम है किसकी, जॉय सॉरो लेमेंटेशन और मेमोरी, बताइए कितनी बार वर्ड आया है भैया, लिमिटेशन क्या है, शोक। व्हाट ट्रीज आर देयर इन द चर्च यार्ड, किसके ट्रीज थे चर्च यार्ड में, शमशान के पास, एल ये बोथ ए एंड बी, एल और ई के थे। वो व्हाट डज द डाइंग ब्लेजर डिजायर, यानी कि जो डिजायर मीन्स इच्छाएं, यानी कि जो ब्लेजर्स मरे हुए थे उनकी क्या इच्छाएं थी, बताइए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रिलेटिव लविंग वन और ऑल ऑफ दीज, तो ये था इनका ऑल ऑफ दीज, वो लविंग वन सबको प्रेम करना चाहते थे, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स सभी को, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन एलजी वाज कंपोज्ड, कौन सा ऐसा टाइम था जब एलजी जो कंपोज्ड की गई थी, या इवनिंग का टाइम था, सुबह का प्रकाश था वो डार्कनेस में बदल रहा था, ठीक है। अब आएंगे भैया विलियम ब्लेक, टू विच एज डज ब्लेक बिलोंग, किस एज से बिलोंग ब्लेक जो है वो बिलोंग करते हैं, कौन से एज के ये राइटर हैं, ये ट्रांजिशनल किसके, ये भी किसके हैं, ट्रांजिशनल के हैं। व्हाट कलेक्शन ऑफ पोएम्स सिंग्स ऑफ जॉय ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि
बचपन के आनंद के बारे में कौन सी पोएम बताती है? तो ये है आपका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। कौन है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इन विच ईयर वॉज ब्लेक बॉर्न? ब्लेक जो है वो विलियम ब्लेक जो है वो किस साल किस ईयर में बॉर्न हुए थे? 1757। हु रिकॉग्नाइज्ड हिज पोएटिक ग्रेटनेस फॉर द फर्स्ट टाइम? विलियम ब्लेक की जो पोएटिक ग्रेटनेस है उसको सबसे पहले किसने पहचाना? ठीक है, तो ये पहचाना आपका प्री रेफलटीस। किसने? प्री रेफलाइट्स। कौन है? प्री रेफलाइट्स। ब्लेक वॉज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी इसके थे लास्ट पोएट? ये 18th सेंचुरी ही चल रही है, 18th सेंचुरी के थे। विच पोएटिक मेथड डिड ब्लेक अडॉप्ट? किस पोएटिक मेथड को ब्लेक ने अडॉप्ट किया, ग्रहण किया, बताइए। एलिजा बैथिन। ठीक है, वॉट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लंडन? लंडन का सेंट्रल थीम क्या था? करप्शन। क्या था? भ्रष्टाचार। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड करप्शन? कौन रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है वाइड स्प्रेड करप्शन के लिए? लॉ। लॉ मीन कानून। ठीक है, नाइन्थ है, हु क्राई ऑल द मिड नाइट इन द स्ट्रीट्स? यानी कि रात में अर्धरात्रि में गलियों में कौन रोता था? कौन रोता था? हेयर लॉर्ड्स। कौन रोता था? हेयर लॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम वर्ड्स वॉर। ठीक है, हु रोट लिरिकल बैलाड्स? लिरिकल बैलाड्स किसने लिखे? ये लिखे आपके विलियम वर्ड्स वॉर ने। ठीक है, विच टर्म इज जनरली यूज फॉर वर्ड्स वॉर? किस टर्म का यूज किया सामान्यतः वर्ड्स वॉर ने? ठीक है, तो दूसरा था रोमांटिक और प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रीस्ट मीन्स साधु। साधु यानी कि जो प्रकृति की सेवा है, और रोमांटिक। ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों किए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, बोथ ए एंड बी। हु वॉज द नियरेस्ट फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ का नियरेस्ट फ्रेंड कौन था? कॉलरिज। कौन था? कॉलरिज। हु इज अ पैगन? पैगन कौन था भैया? तो ये था वर्शिपर ऑफ नेचर, यानी कि ये वर्शिपर था, पुजारी था किसका? नेचर का। वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ये क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये क्या है? सोनेट है, एलिजी है, एपिक है, ओड है। तो ये क्या है? सोनेट है, एक गाथा है। When did Wordsworth become the poet laureate? Poet laureate कब बने Wordsworth? 1843 में। Who collaborated with Wordsworth in lyrical ballads? यानी कि किसने Wordsworth के साथ कोलैबोरेट किया था? कोलैबोरेट को कह सकते हैं मतलब अगेंस्ट जाके उनसे कंपटीशन किया था। ठीक है, किसने किया था? ये किया था कॉलरिज ने। कोलैबोरेटेड अगर वर्ड आएगा तो उसी से आप याद रखेंगे कि कॉलरिज ने। किसने? कॉलरिज ने। कॉलरिज ही कौन था? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ का नियरेस्ट फ्रेंड था वो। व्हेन वाज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कंपोज? ये कब कंपोज किया गया? ये किया गया 1806। वॉट इज द नेम ऑफ द सन गोल्ड? सन गोल्ड का नेम क्या था?
ये था आपका प्रोटियस। क्या था? प्रोटियस। अब पढ़ेंगे जॉन कीट्स के बारे में। ऑल रोमांटिक पोएट्स हैड लव फॉर नेचर एंड कीट्स वाज एज ग्रेट अ पोएट ऑफ नेचर एज, यानी कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे उनका लव था किसके प्रति? नेचर के प्रति। और कीट्स भी उन्हीं की तरह एक महान पोएट था नेचर का। अब ये किसकी तरह था? वर्ड्सवर्थ, शेली, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। तो ये था बोथ आर ट्रू, ये विलियम वर्ड्सवर्थ और शेली की तरह नेचर लवर था। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट, कैसा था? रोमांटिक पोएट था, नेचर का लवर था। इन 1819 वेयर वॉज कीट्स रिसाइडिंग एट हेम्पस्टेड, एट मिलन, एट पिज़ा, एट मोरफील्ड्स। 1893 रिसाइडिंग, कहाँ घूम रहा था पोएट्स? तो जॉन कीट्स है वो, हेम्पस्टेड। कहाँ? हेम्पस्टेड। जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन, जॉन कीट्स का बॉर्न कब हुआ था? ये हुआ आपका 1795, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हु वाज द लास्ट एंड द यंगेस्ट ऑफ द यंगर रोमांटिक पोएट्स। सबसे लास्ट में यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा रोमांटिक पोएट कौन था? जॉन कीट्स। ठीक है। एट विच प्लेस जॉन कीट्स वॉज बॉर्न, जॉन कीट्स का जो बॉर्न है, जन्म हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? मोरफील्ड्स, लंदन। कहाँ? लंदन। सैली एंड कीट्स बिलोंग टू दी, एंड कीट्स वर बिलोंग टू दी, सैली और कीट्स किससे बिलोंग करते थे? कहाँ से? यंगर जनरेशन ऑफ द रोमांटिक्स। ठीक है। आठवां है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार की फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा गया है? ये भी सोनेट है, गाथा है एक। विच थ्योरी डिड कीट्स इवॉल्व, किस थ्योरी को कीट्स जो है वो मानते थे? ठीक है, नहीं मानते थे, झुठला झुटलाते थे। क्या करते थे? झुटलाते थे। तो वो थी निगेटिव कैपेबिलिटी। क्या थी? निगेटिव कैपेबिलिटी। 10th है आपका, फ्रॉम हुम डू यू गेट द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी का फ्रेज जो है आपको किससे प्राप्त होता है? ये जॉन कीट्स नहीं मानते थे, तो जॉन कीट्स से ही प्राप्त होता। हाँ, तो चलिए, आज हमने इस क्लास में ये पार्ट टू जो था हमारा ऑब्जेक्टिव का, वो हमने सारे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रगणों तक जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं शेयर जरूर करें, जिससे उनकी मदद की जा सके। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।